गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में, दैट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स में हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। अब जैसे हमने सीमेंट का स्टडी किया था, द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, उसमें अ ट्रिक वॉज ट्रिक सीमेंट की जो ट्रिक थी वो थी एल साई मस्त। ठीक है, इसकी है ट्रिक सलीम। इसकी ट्रिक है सलीम, SALIM। ठीक है, एस इज फॉर सिलिका, एस इज फॉर सिलिका। ये सिलिका है, ए इज फॉर एलुमिना, एल इज फॉर लाइम, आई इज फॉर आयरन ऑक्साइड एंड एम इज फॉर मैग्नीशिया। ठीक है, अब जिस तरह से इनका सीक्वेंस है सलीम का, सिलिका एलुमिना लाइम आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया, उसी तरह से इनका परसेंटेज का सीक्वेंस भी डिक्रीज करता है इसी कंपोजिशन का। जो परसेंटेज की कंपोजिशन होगी इसमें वो भी डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बस ये ध्यान रखना, सिलिका का अप्रॉक मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा 50-60% कंपोजिशन। ठीक है, अब इसके बाद we'll discuss about these oxides of the constituents, जिनको हम कंपोजिशन से बोलेंगे, या फिर we'll give their name as ingredients। ingredients क्या होंगे किसी ब्रिक को बनाने के लिए, इसका discussion हम इसके functions के साथ करेंगे और उनका effect if they are in excess amount, effect if they are present in excess, effect in excess। suppose आपका सिलिका है, उसका फंक्शन क्या है ब्रिक में, मतलब क्या देता है वो, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस दे रहा है, इफ इट इज़ गिविंग कुछ भी चीज़ क्या दे रहा है वो उसका फंक्शन हो गया। और अगर वो उसकी पर्टिकुलर परसेंटेज है 50-60%, अगर सपोज उस परसेंटेज से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, तो क्या वेरिएशन आ रही है एक ब्रिक में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज टेकिंग रेफरेंस ऑफ सलीम, तो सलीम में सबसे पहले है सिलिका। ठीक है, सिलिका की जो एवरेज कंपोजिशन है वो 50-60% है ब्रिक में। इसका पहला ही फंक्शन है ये, जैसे हमने लाइम में अपना सीमेंट में स्टडी किया था, सिलिका का सिर्फ एक काम है स्ट्रेंथ, इट वाज रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेंथ ओनली। पर जब हम ब्रिक की बात करेंगे, सिलिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन स्ट्रेंथ के लिए भी होता है, यहाँ पे शेप के लिए भी होता है, हार्डनेस के लिए भी होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए भी होता है। और ये प्रिवेंट करता है, सिलिका प्रिवेंट्स फ्रॉम श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन ब्रिक्स। ठीक है, उसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, इट इज़ पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, शेप, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, इन तीनों, इन चारों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सिलिका। और दूसरा पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग। श्रिंकेज एंड वार्पिंग, वार्पिंग क्या होता है, वार्पिंग इज समथिंग जब आपकी ब्रिक स्ट्रेट नहीं होती है, या तो वो टिल्ट कर रही है, या तो बेंड कर रही है, या वो अपनी ट्विस्ट कर रही है अपनी शेप से, इट इज़ गोइंग आउट ऑफ इट्स शेप, स्ट्रेट नहीं है, उस चीज़ को वार्पिंग बोलते हैं, वार्पिंग ऑफ। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं। इफ
सिलिका इज इन एक्सेस, अगर सिलिका एक्सेस में है तो क्या होता है, सिलिका अगर एक्सेस में है तो वो ना कोहिजन नहीं बना पाता अपने क्ले पार्टिकल्स के साथ, अगर वो कोहिजन नहीं बना रहा है, और अगर वो एक्सेस में है तो सिलिका एक तो पहली बात कोहिजन नहीं बनाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका बॉन्ड नहीं बनेगा, जो आपका ब्रिक है इट विल बिकम ब्रिटल, और ब्रिटल होगा और साथ में वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, एक्सेस ऑफ सिलिका मतलब ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयज कोहिजन करता है, डिस्ट्रॉयज कोहिजन, अगर कोहिजन नहीं होगा तो ब्रिक विल बी, जो ब्रिक होगी ब्रिक बिकम्स ब्रिटल प्लस वीक, ठीक है, ब्रिक बिकम्स ब्रिटल प्लस वीक, पहला आपका इंग्रेडिएंट ब्रिक में। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जैसे सलीम, ए इज एलुमिना, इसका एलुमिना इसका जो कंपोजिशन होगा इससे कम होगा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30%। एलुमिना है, हमने सीमेंट पे पढ़ा था, एलुमिना सीमेंट में जो एलुमिना था वो सेटिंग टाइम बढ़ाता था, मतलब वो जाना ही सिर्फ सेटिंग टाइम के लिए जाता था, अगर एलुमिना होगा तो आपकी सेटिंग टाइम बढ़ेगी। अब अगर जैसे ब्रिक की बात करेंगे तो ब्रिक में एलुमिना प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, इट इम्पार्ट्स प्लास्टिक क्वालिटी सो दैट ब्रिक कैन बी रिमोल्डेड, बस इसका ये काम होता है, क्या काम होता है, इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी सो दैट ब्रिक कैन बी रिमोल्डेड, सो दैट ब्रिक कैन बी रिमोल्डेड। और जैसे सीमेंट में था जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है वो आपका इट कैन बी यूज एज ए रिफ्रैक्टरी, तो वैसे ही ब्रिक में भी जो जिसमें क्ले अगर थोड़ा ठीक है, हाई एलुमिना है अगर, सॉरी क्ले में हाई एलुमिना है अगर, ब्रिक में हाई एलुमिना है तो इट कैन बी फाउंड इन रिफ्रैक्टरी एरिया, रिफ्रैक्टरी वाली एरियाज, रिफ्रैक्टरी जहाँ पे आपका जो कि रेजिस्टेंट होता है अपने केमिकल अटैक से, सल्फेट अटैक से, ठीक है, उन जगह में हमारा एलुमिना अगर प्रेजेंट है ब्रिक्स में तो वहाँ पे इट कैन रेजिस्ट दीज थिंग्स, क्या सल्फेट अटैक, केमिकल अटैक, ठीक है। इसमें आप इसको नोट की फॉर्म में लिख लो एलुमिना का, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इससे, क्ले हैविंग हाई एलुमिना आर फाउंड टू बी वेरी रिफ्रैक्टरी, इस तरह से लिख लो, क्ले हैविंग हाई एलुमिना आर फाउंड टू बी वेरी रिफ्रैक्टरी, ठीक है। और अगर एलुमिना आपका एक्सेस में है तो एक्सेस में प्लास्टिसिटी इंक्रीज करता है, तो प्लास्टिक करता है, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा प्लास्टिसिटी हो जाए, ज़्यादा प्लास्टिक हो जाए तो उसमें क्या होता है, सेटिंग टाइम बढ़ता है, मतलब जल्दी आपकी जो ब्रिक है इट 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 अटेन इट्स सेटिंग, वो थोड़ी हार्डन होना स्टार्ट हो जाती है जल्दी, तो उससे क्या होगा, उसमें ना क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे वो ड्राई होगा। और अगर एलुमिना है तो जैसे आपका मोल्डिंग हो जाएगा और आपकी बर्निंग के टाइम में, सबसे पहले बहुत जल्दी ब्रिक विल बिकम टू हार्ड व्हेन बर्न, जब उसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे किसी किलन में या क्लैम में, तो हम जनरली आजकल करते नहीं है, किलन में जब हम बर्न करेंगे इसको तो इट बिकम्स टू हार्ड, तो उस वजह से इसमें क्रैकिंग डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक्सेस में लाइम, एक्सेस में आपका एलुमिना है ब्रिक में तो इट कॉजेज क्रैकिंग, अगर एक्सेस में एलुमिना प्रेजेंट है आपकी ब्रिक में इट कॉजेज क्रैकिंग ऑन ड्राइंग, इट कॉजेज क्रैकिंग ऑन ड्राइंग एंड बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्नड, एंड बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्नड, बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्नड, ठीक है। ये आपका सेकंड है, 20 से 30% होना चाहिए एक बिल्डिंग कॉमन बिल्डिंग ब्रिक में, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक में ऑलमोस्ट 20 से 30% एलुमिना, 50 से 60% सिलिका। अब इसके बाद है लाइम, ठीक है,
लाइम का जो परसेंटेज है इसमें, लाइम में इसका इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, पहली चीज़। अब इसमें जैसे हमारा जो सीमेंट में था, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम वर्क करता था कि दे वर्क फॉर कलर एज वेल एज फॉर हार्डनेस। अब इस वाले केस में लाइम और आयरन ऑक्साइड है जो कि इट वर्क फॉर, ये आपका हार्डनेस बनाता है। कैसे हार्डनेस, वहाँ पे भी फ्यूजन से बनता था डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के। यहाँ पे भी इट हेल्प्स सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग एंड बाइंड ब्रिक्स पार्टिकल्स टुगेदर। मतलब यहाँ पे भी ये फ्यूजन करेगा सिलिका का डिफरेंट बाइंडिंग मटेरियल के साथ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका ब्रिक हार्ड बन जाता है जो कि अच्छी चीज़ है, और इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स। और वैसे ही लाइम वैसे ही आयरन ऑक्साइड मैग्नीशियम, तो वैसे ही आयरन ऑक्साइड है। इट विल ऑल्सो फ्यूज़, इट विल हेल्प सिलिका टू फ्यूज़ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ क्ले, तो वो हार्ड बना देंगे, अच्छी स्ट्रेंथ देंगे। और लाइक लाइम दे एक्ट एज ए फ्लक्स, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, एक्ट्स एज फ्लक्स। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, हेल्प सिलिका टू फ्यूज़ ड्यूरिंग बर्निंग एंड बाइंड्स ब्रिक पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। हेल्प्स सिलिका टू फ्यूज़, फ्यूज़ मतलब उनके साथ, एंड कंबाइन डिफरेंट पार्टिकल्स, कंबाइन विद डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ क्ले विच मेक्स इट हार्ड एंड गिव्स गुड स्ट्रेंथ, और ऐसे ही बोल सकते हैं, एंड बाइंड ब्रिक पार्टिकल्स टुगेदर, एक ही बात है। ठीक है, और यही लाइम जो है, इट हेल्प्स फ्रॉम श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, हेल्प्स फ्रॉम श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, इट हेल्प्स फ्रॉम श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद इफ लाइम इज इन एक्सेस, अगर लाइम एक्सेस में है तो क्या करता है लाइम, लंप ऑफ लाइम्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं क्विक लाइम में, और क्विक लाइम आफ्टर बर्निंग क्या करता है, वो स्लेक करता है और एक्सपेंड करता है, जिससे कि आपकी क्रैकिंग होती है। स्लेक वो एक्सपेंड करेगा ना इन द मॉइस्चर, क्योंकि अब उसमें जो पोर्स होंगे उसमें पानी भरेगा, इट विल एक्सपेंड ड्यूरिंग मॉइस्चर, और वो सीमेंट अपना ब्रिक की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा, और इट विल क्रैकिंग नहीं करेगा, ब्रिक की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा एक तरह से, ठीक है। इफ लाइम इज इन एक्सेस, तो लंप्स ऑफ लाइम जो प्रेजेंट होते हैं ब्रिक में या क्ले में, लंप्स ऑफ लाइम गेट कन्वर्टेड इनटू, लंप्स ऑफ लाइम गेट कन्वर्टेड इनटू आपका क्विक लाइम, लंप्स ऑफ लाइम गेट कन्वर्टेड इनटू क्विक लाइम, और वो क्विक लाइम आफ्टर बर्निंग, क्विक लाइम आफ्टर बर्निंग आपका स्लेक करता है और एक्सपेंड करता है, स्लेक्स एंड एक्सपेंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आपके मॉइस्चर, जिससे कि ब्रिक आपकी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हार्मफुल हो जाती है। इसके बाद आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड जस्ट लाइक लाइम, वैसे आयरन ऑक्साइड की जो कंपोजिशन है 5 से 6% है। जस्ट लाइक लाइम आयरन ऑक्साइड ऑल्सो एक्ट्स एज ए फ्लक्स, हेल्प सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग एंड बाइंड ब्रिक पार्टिकल्स टुगेदर, दस गिव स्ट्रेंथ हार्डनेस, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, इट ऑल्सो एक्ट्स एज फ्लक्स एंड हेल्प्स सिलिका टू फ्यूज विद डिफरेंट बाइंडिंग पार्टिकल्स टू एनहांस, एनहांस क्या,
हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, टू एनहांस हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ये आपका आयरन ऑक्साइड का फंक्शन होता है ब्रिक में, ठीक है। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड ऐसे कलर से भी काफ़ी ज़्यादा कलर देता है, अगर ज़्यादा जैसे सीमेंट में ये देता था आपका ग्रे कलर और लाइट ग्रीनिश कलर, अगर यहाँ पे एक्सेस में आ जाएगा तो इट मेक्स ब्रिक डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश, जो कि एस्थेटिक पर्पज़ के लिए वर्स्ट है, ठीक है। मेक्स ब्रिक डार्क डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश। इसके बाद आपका जो एक तरह से लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है मैग्नीशिया, ठीक है। लास्ट इंग्रेडिएंट्स इज मैग्नीशिया, लास्ट इंग्रेडिएंट इज मैग्नीशिया। जो मैग्नीशिया का कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट लेस देन 6-1% होता है, ऑलमोस्ट लेस देन 1%। इट गिव्स आपका येलो टिंट कलर, इट गिव्स येलो टिंट कलर टू ब्रिक एंड रिड्यूस श्रिंकेज, इट गिव्स येलो टिंट कलर टू ब्रिक एंड रिड्यूसेस श्रिंकेज, इट गिव्स येलो टिंट कलर टू ब्रिक एंड रिड्यूसेस श्रिंकेज। अगर मैग्नीशिया ज़्यादा है तो इट डीके द ब्रिक, वो ब्रिक को डिटोरेट कर देता है, ठीक है। ब्रिक के लिए बहुत ख़राब है, मैग्नीशिया होना नहीं चाहिए आपके ज़्यादा। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आपका हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स इन ब्रिक्स, ठीक है। हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स इन ब्रिक्स, ठीक है। कंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आपके ब्रिक्स में, जो भी हमने सलीम, सिलिका, लाइम, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया डिस्कस किया, जस्ट क्योंकि उसी के साथ साथ रिलेट होगा भाई आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, फिर डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स, फिर इसके बाद आपका क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। अब जब आपने कंपोजिशन को ढंग से सुना होगा, ढंग से पढ़ा होगा, तभी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से क्लियर होगा, आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा आगे आगे, जैसे जैसे आपके आपके ब्रिक्स के कंसेप्ट डिस्कस होंगे, ठीक है। सो इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, व्हाट इज़ द फर्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, इफ इट इज़ नॉट इन एडिक्वेट अमाउंट, तो फर्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज़ लाइम, फर्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज़ लाइम। लाइम क्या करता है, अब जैसे सीमेंट में लाइम ज़्यादा होता था तो क्या हो जाता था, इफ़ इट वाज इन एक्सेस अमाउंट इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, वही चीज़ है ब्रिक में भी, अगर लाइम ज़्यादा होगा इट कॉजेज अनसाउंडनेस इन द प्रेजेंस ऑफ इन अनसाउंडनेस। अब वो यहाँ की अनसाउंडनेस कैसी होगी, वहाँ की अनसाउंडनेस कैसी थी, वहाँ पे क्या होता था, अनसाउंडनेस है दोनों एक ही चीज़ आपका, वहाँ पे था जब आपका सीमेंट सेट कर जाता था उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम होता था तो ब्रिक तो आपका सीमेंट अनसाउंड कर जाता था। यहाँ पे क्या है, अगर आपका लाइम प्रेजेंट है लंप्स में, ठीक है, इफ लाइम इज प्रेजेंट इन लंप तो क्या होगा, ब्रिक में जब वो उसको इट विल वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर, आपका स्वेल कर जाएगा, ठीक है। स्वेल करने के बाद इट विल स्टार्ट अपना डिसइंटीग्रेटिंग, डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। लाइम का क्या क्या है, इसका पहली चीज है कॉजेज अनसाउंडनेस, कॉजेज अनसाउंडनेस इफ प्रेजेंट इन एक्सेस। दूसरी चीज क्या है, लाइम की दूसरी चीज है इफ प्रेजेंट इन लंप्स, इफ प्रेजेंट इन लंप्स इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर,
इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, उसके मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद व्हाट विल इट, उसमें क्या आएगा, स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी जिससे कि आपकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका लाइम था। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मफुल, नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट इज आयरन पाइराइट, आयरन आयरन पाइराइट। नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज इन ब्रिक अर्थ इज आयरन पाइराइट। अब क्या है, इफ आयरन पाइराइट इज प्रेजेंट, वो आपके जो ब्रिक को है ऑक्सीडाइज कर देता है, और ब्रिक जो ब्रिक में क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। ब्रिक में अगर क्रिस्टलाइजेशन होगी तो ब्रिक के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, अगर दूर दूर होने की वजह से ब्रिक में डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्रिक में स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो पाइराइट्स होते हैं वो ब्रिक को डीकलराइज भी करते हैं, ठीक है। क्या करता है आयरन पाइराइट, इफ आयरन पाइराइट इज प्रेजेंट, ये ऑक्सीडाइज करता है ब्रिक को, और जिससे कि ब्रिक क्रिस्टलाइज, ब्रिक में क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, ऑक्सीडाइज द ब्रिक जिससे ब्रिक्स आर क्रिस्टलाइज्ड, जिससे क्या होता है, ब्रिक्स जो है क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं ब्रिक में बनने, ब्रिक्स आर क्रिस्टलाइज्ड। अब क्रिस्टलाइजेशन होगी तो उससे क्या होगा, या तो स्प्लिटिंग होगी, या आपकी स्प्लिटिंग होगी, या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, डिसइंटीग्रेशन या स्प्लिटिंग होगी या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगी। और पाइराइट्स क्या करते हैं, आपके जो पाइराइट्स हैं वो डीकलराइज भी करते हैं ब्रिक्स को, पाइराइट्स डी कलराइज दी ब्रिक, पाइराइट्स डी कलराइज भी करते हैं ब्रिक को, ये आयरन पाइराइट्स हैं। थर्ड हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज पेबल या फिर ग्रेवल या ग्रिट, ठीक है। थर्ड हार्मफुल इंग्रेडिएंट इज पेबल या आपका ग्रेवल्स या ग्रिट्स, पेबल्स या ग्रेवल्स या ग्रिट, ठीक है। अगर पेबल्स ग्रेवल्स ग्रिट प्रेजेंट होंगे आपके क्ले में जिससे हम ब्रिक बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी क्ले को ना यूनिफॉर्मली या थॉरली मिक्स नहीं होने देंगे, जिससे कि ब्रिक वीक और पोरस हो जाएगी, ठीक है, इट वॉन्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पेबल्स ग्रेवल्स और ग्रिट नॉट अलाउ ब्रिक, नॉट अलाउ ब्रिक टू मिक्स यूनिफॉर्मली और थॉरली, जिससे क्या होगा, वीक और पोरस हो जाएगी ब्रिक, जिससे कि वीक और पोरस हो जाएगी ब्रिक, ब्रिक विल बी वीक और पोरस, ठीक है। पेबल्स ग्रेवल और ग्रिट का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है आपके ब्रिक में, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हम सब में डिस्कस करेंगे, कभी भी ये चीज़ आपकी, मतलब वी ऑलवेज ट्राई कि एल्कली आपकी ना सीमेंट में हो, ना ब्रिक में हो, ना स्टोन में, कहीं भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एल्कलीज, अब एल्कली जब भी आ गया, एल्कली मतलब सॉल्ट, सॉल्ट क्या करेंगे आपकी एफ्लोरेसेंस क्रिएट कर देंगे, एल्कली मतलब एफ्लोरेसेंस। अब जैसे मैंने साउंडनेस के बारे में पढ़ा, ई डबल एफ एल ओ एस सी ई एन सी, एफ्लोरेसेंस। अब जैसे हमने साउंडनेस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही एफ्लोरेसेंस है। आफ्टर इवेपोरेशन, जब ब्रिक, व्हेन ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर, या कभी भी जब ब्रिक का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है, आफ्टर इवेपोरेशन जब ब्रिक ड्राई हो जाते हैं तो उसमें वाइट पाउडर या कोई स्टेन दिखना स्टार्ट हो जाए अगर, तो मतलब ब्रिक में एफ्लोरेसेंस है, ब्रिक में एल्कली प्रेजेंट है, जिस वजह से ब्रिक की एस्थेटिक वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और ब्रिक इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क,
ठीक है। और अगर एल्कलीज कुछ ज़्यादा ही है, एक्सेस में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, ब्रिक को मेल्ट कर देते हैं और ब्रिक का जो आपका शेप है वो भी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, एफ्लोरेसेंस इज आफ्टर, ऐसे लिख लो, ड्राइंग वाइट और ग्रे डिपॉजिट। ठीक है, बाकी मैंने डिस्कस तो किया ही है सीमेंट में भी क्या एफ्लोरेसेंस होता है, और अभी भी हमने डिस्कस किया है जो आपका ब्रिक का जो वाटर है या जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जब वो इवेपोरेट कर जाता है तो क्या करता है, उसमें जो सॉल्ट है वो आपकी डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस में, जो वो स्टेन बनाते हैं वाइट ग्रे किसी भी कलर का, वो आपका एस्थेटिक पर्पस के लिए इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर एल्कली एक्सेस में है, एक्सेस ऑफ एल्कली कॉजेज ब्रिक टू मेल्ट एंड लैक देयर शेप्स। एक्सेस ऑफ एल्कली क्या करता है, कॉजेज ब्रिक टू मेल्ट एंड लैक देयर शेप्स। एल्कली के बाद ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद सल्फर है। एल्कली के बाद ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेजिटेशन। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके क्ले में जो ब्रिक बनाता है वो प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, जब वो बर्न करेगा किलन में तो इट विल लीव पोर्स, जिससे कि आपकी ब्रिक पोरस हो जाएगी। अब जब ब्रिक पोरस होगी तो इट्स स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से इट्स स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ड्यूरिंग बर्निंग, ड्यूरिंग बर्निंग, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये भी बर्न कर जाते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग ऑर्गेनिक मैटर बर्न्स लीव पोर्स, ऑर्गेनिक मैटर बर्न्स लीव पोर्स, उससे क्या होगा, जो आपकी ब्रिक है वो पोरस हो जाएगी। मेक ब्रिक, मेक ब्रिक पोरस, एक बार आपकी ब्रिक पोरस बन गई उस वो इट विल इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इट विल इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करे तो स्ट्रेंथ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसका, स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, ये है ऑर्गेनिक मैटर और आपके वेजिटेशन का इफेक्ट ब्रिक पे। इसके बाद लास्ट है सल्फर, लास्ट इज योर सल्फर। सल्फर कैसे आपकी ब्रिक को अफेक्ट करती है, इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें एक चीज़ है ब्लोटिंग, जब आपका सल्फर एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो ब्लोटिंग स्टार्ट ब्लोटिंग हो जाती है। बोलने का ये मतलब है, जब हमारी ब्रिक को इनसफिशियंट टाइम मिलता है बर्निंग में तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी ऑक्सीडेशन कार्बन और सल्फर की नहीं हो पाती है पूरी। ठीक है, तो उस वजह से सल्फर विल कॉज स्पॉन्जी स्वेलिंग स्ट्रक्चर इन द ब्रिक, जिसको हम ब्लोटिंग फिनोमिनन बोलते हैं, एंड ब्रिक डीकलराइज बाय वाइट ब्लोचेस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ऐसे, इफ इनसफिशियंट टाइम इज गिवन टू ब्रिक, इफ इनसफिशियंट टाइम इज गिवन टू ब्रिक फॉर बर्निंग, उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है आपकी कार्बन और सल्फर की कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, इफ इनसफिशियंट टाइम इज गिवन टू ब्रिक फॉर फॉर, या डायरेक्ट लिख लो, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आपका कार्बन एंड सल्फर, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर, तो
उससे क्या होता है, सल्फर कॉजेज, देन सल्फर कॉजेज आपका स्पॉन्जी स्वेलिंग, स्पॉन्जी स्वेलिंग स्ट्रक्चर इन द ब्रेक सरफेस, देन सल्फर कॉजेज स्पॉन्जी या फिर स्वेलिंग स्ट्रक्चर ऑन द ब्रिक सरफेस कॉमा नोन एज ब्लोटिंग फिनोमिनन, नोन एज ब्लोटिंग फिनोमिनन एंड दिस ब्रिक विल डीकलराइज वाइट ब्लॉचेस से, डीकलराइज होती है वाइट ब्लॉचेस से अगर सल्फर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डिफेक्ट इन ब्रिक्स। अब किस किस तरह के डिफेक्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं ब्रिक्स में वो डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स। इसको भी विल स्टडी इन टेबुलर फॉर्म। सपोज यहाँ पे हम सारे विल डिस्कस वन वन साइड द डिफेक्ट्स, कौन कौन से डिफेक्ट्स देखते हैं हम, और दूसरी साइड में उनकी एक्सप्लेनेशन या रीजंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ब्रिक ओवर बर्न हो रही है तो हम आपको पहला डिफेक्ट मिलता है, और उससे होता क्या है, ओवर बर्निंग, ओवर बर्न ब्रिक्स या ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट इज ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अब जब ब्रिक्स ओवर बर्न हो जाते हैं तो क्या होता है, सेल्फ मोल्टन मास प्रोड्यूस हो जाता है जिससे ब्रिक लूजेज इट्स शेप, और जब ब्रिक आपकी शेप ही लूज कर जाएंगे तो वो उस तरह की ब्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ ब्रिक्स ओवर बर्न तो उसमें क्या है, मोल्ट अपना जो सारा कुछ क्ले पार्टिकल सब कुछ अंदर जल जाएगा, सेल्फ मोल्टन मास प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ मोल्टन मास प्रोड्यूस्ड, उससे क्या होगा, और ओवर बर्निंग की वजह से जो रेक्टेंगुलर और शेप जैसी है ब्रिक की, प्लेनर सी है ब्रिक, लूजेज इट्स शेप, वो अटेन नहीं हो पाएगी, ब्रिक लूजेज इट्स शेप, और सच ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, सच ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, सच ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके बाद है अगर ब्रिक अंडर बर्न्ड है, अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, इफ ब्रिक्स आर नॉट बर्न प्रॉपरली। अब ब्रिक्स बर्न ही हुई है प्रॉपरली तो क्या है, जो ब्रिक्स जब हम क्ले मोल्ड करते हैं जब उसको बर्निंग पे लगाते हैं तो जो उसमें पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स भी क्लोज नहीं हो पाते हैं ड्यू टू लेस हीट। अगर आपके पोर्स क्लोज नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू लेस हीट तो क्या होगा, आपका वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, हायर डिग्री ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट, ब्रिक विल बिकम पोरस, उससे क्या है स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, सच ब्रिक्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इफ ब्रिक्स आर नॉट बर्न्ड प्रॉपरली मतलब इससे क्या होगा, जैसे सेल उसमें अगर बर्न्ड हो जाएगी तो सेल्फ मोल्टन मास प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें जो आपका पोर्स है डू नॉट गेट क्लोज ड्यू टू लेस हीट, पोर्स नॉट क्लोज ड्यू टू लेस हीट, पोर्स नॉट क्लोज ड्यू टू लेस हीट। जब पोर्स क्लोज नहीं हो रहे हैं लेस हीट से तो क्या होगा, वाटर वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, उससे क्या होगा स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जिससे क्या होएगा सीधी सीधा सा, सच ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, सच इसमें भी सच ब्रिक्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन, Such bricks are not
रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लोटिंग। हमने अभी अभी लास्ट टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक सल्फर, उसमें ब्लोटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, ब्लोटिंग एक डिफेक्ट है जो कि सल्फर की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व एज ए स्पॉन्जी स्वेलन मास ओवर द सरफेस ऑफ द बर्नड ब्रिक। और ये किस वजह से होता है, ये होता है आपके प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर इन क्ले ब्रिक्स में। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व एज दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व एज स्पॉन्जी स्वेलन मास ओवर द सरफेस ऑफ ब्रिक। और दिस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन क्ले ब्रिक ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन क्ले विच इज यूज टू फॉर्म विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक। नेक्स्ट डिफेक्ट सीन इन ब्रिक अर्थ इज ब्लैक कोर। ये एक नया टर्म है, ब्लैक कोर। व्हेन ब्लैक कोर मतलब ये रिलेटेड ही थोड़ा कार्बन से होगा। व्हेन ब्रिक क्ले कंटेन्स बिटुमिनस मैटर एंड कार्बन, और वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाते जब ऑक्सीडेशन के थ्रू, तब जनरली हमारा ब्लैक कोर सीन मतलब दिखता है। और ये क्यों होता है, बेसिकली इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से होता है। क्या है, ड्यू टू बिटुमिनस मैटर एंड कार्बोनेशियस मैटर, कार्बोनेशियस की जगह सीधा कार्बन बोल दो, है ना, ड्यू टू बिटुमिनस मैटर एंड कार्बन, ड्यू टू बिटुमिनस मैटर एंड कार्बन। ये होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी इम्प्रॉपर बर्निंग होती है। अब ये जो इम्प्रॉपर बर्निंग है वो उससे क्या होता है, आपकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड। इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से ऑक्सीडेशन कम्प्लीट नहीं हो पाती, जिससे कि आपका किसकी ऑक्सीडेशन, बिटुमिनस मैटर कार्बन की कंप्लीट पूरी नहीं हो पाती, उससे आपके ब्लैक कोर प्रेजेंट हो रहते हैं आपके ब्रिक में। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है स्टडी करने के लिए। इसके बाद है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस डिफेक्ट ड्यू टू एल्कली और सॉल्ट इन ब्रिक, ड्यू टू एल्कली और सॉल्ट इन ब्रिक। ये वाइट या ग्रे स्टेन कर, ये वाइट या ग्रीन स्टेन प्रोड्यूस करता है आपकी ब्रिक सरफेस ऑफ द ब्रिक में, जिससे कि ब्रिक की एस्थेटिक वैल्यू बहुत कम हो जाती है, अगली अपेयरेंस हो जाती है, और टाइप ऑफ ब्रिक्स आर नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, इस तरह से आप बोल सकते हो। ड्यू टू एल्कली, और ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है फ्लोरेसेंस के बारे में, चाहे किसी भी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल है, एल्कली विल नॉट वॉन्ट एल्कली टू बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। इसलिए क्यों, क्योंकि एल्कली से हमारी एफ्लोरेसेंस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और ये स्ट्रेंथ भी एक तरह से कम करता है। वाइट ग्रे पाउडर पैचेस ऑफ थिन लेयर, ठीक है, ड्यू टू एल्कली, वो एल्कली, और ये है क्या, ये वाइट और ग्रे पैचेस है ऑफ थिन लेयर। ये कैसे क्यों होते हैं, वही हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो मॉइस्चर है वो इट इवेपोरेट्स, जब वो इवेपोरेट हो जाता है उसके बाद जब ब्रिक ड्राई हो जाते हैं तो इस तरह के वाइट और ग्रे पैचेस सामने आते हैं, दिख जाते हैं एक सरफेस ऑफ द ब्रिक पे, वाइट और ग्रे पैचेस ऑफ थिन लेयर
सीन ऑन सरफेस ऑफ ब्रिक, वाइट और ग्रे पैचेस दिख रहे हैं आपको ब्रिक सरफेस पे। अब वो क्या है, उससे हमारी अगली अपीयरेंस होती है, अगली अपीयरेंस मतलब आपकी ALPER, अगली अपीयरेंस ALPEARENCE, अगली अपीयरेंस, जिससे कि आपकी एस्थेटिक वैल्यू ख़राब होगी और आपका इस तरह का ब्रिक इट विल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट डिफेक्ट, चेक और क्रैक्स। ये आपका क्रैक्स पहले भी हमने पढ़ा है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ लंप ऑफ लाइम्स, दिस टाइप ऑफ एक्सेस ऑफ लंप ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, दो चीज़ों की वजह से होते हैं, ड्यू टू लंप ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर, ड्यू टू लंप ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर, चेक और क्रैक्स। नेक्स्ट डिफेक्ट इज स्पॉट्स। स्पॉट्स किस वजह से, ड्यू टू सल्फाइड प्रेजेंट इन द ब्रिक क्ले, ये डार्क स्पॉट बनाता है ब्रिक में। सच ब्रिक्स आर नॉट ओनली हार्मफुल बट ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर एक्सपोज मशीनरी वर्क। ठीक है, ड्यू टू सल्फाइड, बस आपने ये ध्यान रखना है, ड्यू टू सल्फाइड ये डार्क स्पॉट्स बना देता है, ड्यू टू सल्फाइड डार्क स्पॉट्स बनते हैं, जिससे कि ब्रिक नॉट ओनली सुटेबल, नॉट ओनली जैसे जो कि ब्रिक के लिए नॉट ओनली हार्मफुल है बट ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर मशीनरी, एक्सपोज मशीनरी वर्क। ठीक है, क्योंकि एस्थेटिक पर्पज से ही ख़राब हो जाएंगे, तो इट विल नॉट बी यूज, इट विल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। ब्लिस्टर्स, ये नई चीज़ है, ब्लिस्टर्स को पहले आप ऐसे समझो, ब्लिस्टर्स एक तरह से छाला होता है, तो कभी भी छाला आने से पहले आपकी स्किन, अब मैं आपकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, कभी आप छाला आने से पहले आपकी स्किन का जो जिस जगह पे छाला आता है वो उभर सी जाती है, वो स्वेल सी कर जाती है, उसके बाद ही वो फटता है। ठीक है, तो इसमें भी दो पॉइंट है ध्यान रखने वाले, ब्लिस्टर्स क्यों होते हैं, ड्यू टू, अब छाला है उसमें क्या है, ड्यू टू एयर, अब ब्रिक की बात कर रहे हैं, ड्यू टू एयर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग द मोल्डिंग, मोल्डिंग के समय पर जब आपकी एयर अंदर इम्प्रिजन हो जाती है, उस वजह से आपके ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। अब जब अब और दूसरी चीज़, ये जो ब्रोकन ब्लिस्टर्स हैं, जब ये छाला फटता है, ब्रोकन ब्लिस्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको जनरली देखने को, ड्रेनेज टाइल्स और सीवियर पाइप्स में, दो चीज़ें हैं, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ड्यू टू एयर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग मोल्डिंग, इम्प्रिजेंट PRISO प्रिजेंट, ड्यू टू एयर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग मोल्डिंग, पहली चीज़ ड्यू टू एयर इम्प्रिजेंट ड्यूरिंग मोल्डिंग, और दूसरी ब्रोकन ब्लिस्टर्स जनरली कॉज, जो ब्रोकन ब्लिस्टर्स है जनरली कॉज ऑन ड्रेनेज पाइल और ड्रेनेज टाइल और सीवर पाइप। ब्रोकन ब्लिस्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर्स ड्रेनेज टाइल्स और सीवर पाइप्स, ये आपके ब्रोकन ब्लिस्टर्स। इसके बाद है लेमिनेशंस और उसके बाद है चफ। लेमिनेशन एक तरह का एंट्रेप्ट एयर है वॉइड्स ऑफ क्ले में, और जो लेमिनेशन है वो आपका लेमिना प्रोड्यूस करता है ब्रिक के फेसेस पे। ठीक है, विच वेदर आउट ऑन एक्सपोजर, और इसी तरह की ब्रिक्स जो है वो वीक हो जाती है स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, तो लेमिनेशन का आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये एयर ड्यू टू एंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले, लेमिनेशन किस वजह से होता है, ड्यू टू एंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले, और लेमिनेशन प्रोड्यूसेस लेमिना ऑन ब्रिक सरफेस, ब्रिक फेस, ऑन ब्रिक सरफेस, बस ये। और ये अब लेमिना है, एक्सेस लेमिना क्या करता है, आपका जो ब्रिक है उसको वीक कर देता है स्ट्रक्चर में यूज़ करने के लिए।
ठीक है, इसका लास्ट जो डिफेक्ट है वो है आपका चफ। चफ क्या है, जब आपका ब्रिक बर्न होकर बाहर निकलता है, जब वो हॉट ही होता है और वो अफेक्ट कर जाता है रेन ड्रॉप्स की वजह से, उससे आपकी जो ब्रिक की है वो शेप शूप बिगड़ जाती है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, जो आपकी शेप ऑफ द ब्रिक में डिफॉर्मेशन आती है ड्यू टू द रेन वाटर ऑन हॉट ब्रिक, उसको हम चफ बोलेंगे। या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज बाय रेन वाटर व्हेन रेन वाटर ऑन हॉट ब्रिक। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ किसकी, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज बाय, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज बाय रेन वाटर ऑन हॉट ब्रिक। जब ब्रिक गर्म ही होती है उस वजह उस पे रेन वाटर के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, तो उससे क्या है डिफॉर्मेशन आ जाती है शेप में ब्रिक की, उसको हम चफ बोलते हैं, वो उस डिफेक्ट को हम चफ बोलते हैं। इसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक, क्या अच्छी चीज़ें होती है ब्रिक के बारे में वो पता कीजिए, किस तरह का उसका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, हार्डनेस, साउंडनेस, वाटर अब्जॉर्प्शन, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें हम क्वालिटीज़ में पढ़ेंगे गुड ब्रिक अर्थ की। इस टॉपिक में क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, सबसे पहला है शेप एंड साइज। शेप ब्रिक की कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर विद ऑल कॉर्नर्स शार्प, रेक्टेंगुलर विद ऑल कॉर्नर्स शार्प। ठीक है, साइज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड प्लेनर, यूनिफॉर्म साइज एंड प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो रेक्टेंगुलर विद पैरेलल साइड से भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है कलर, कलर सबको पता है ब्रिक का कैसा होता है, यूनिफॉर्म डीप रेड, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर होता है, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर। ठीक है, जो कि आपकी यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर, ये क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन और टफनेस इन बर्निंग ऑफ ब्रिक। ठीक है, दो चीज़ें बताता है अगर आपका डीप रेड और चेरी कलर होगा, क्या आप क्या बताता है, एक पहली चीज़ यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन, पहली चीज़ क्या बताता है, ओ सॉरी, पहली चीज़ बताता है ये यूनिफॉर्म डीप रेड कलर और चेरी कलर, यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन, पहली चीज़ बताता है यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन, और दूसरी चीज़ बताता है आपका टफनेस इन बर्निंग ऑफ ब्रिक, टफनेस इन बर्निंग ऑफ ब्रिक। इसके बाद है आपका टेक्सचर और कम्पैक्टनेस, आपका टेक्सचर कैसा होना चाहिए ब्रिक का। ठीक है, टेक्सचर जो है आपका ब्रिक का यूनिफॉर्म होना चाहिए, और टेक्सचर और कम्पैक्टनेस, टेक्सचर एंड कम्पैक्टनेस, कम्पैक्टनेस मतलब जो ब्रिक जो है मोल्डिंग के टाइम पे ही, या ब्रिक शुड बी प्री कम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म जो उसका टेक्सचर होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे ब्रिक शुड बी प्री कंपैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर, पहली चीज़। और दूसरी, उसकी स्मूथनेस भी इतनी होनी चाहिए कि वो हाथ से स्लिप कर जाए, सरफेस शुडन बी टू स्मूथ टू कॉज स्लिपिंग ऑफ मोर्टार, या हाथ से छूट जाए या मोर्टार उसका स्लिप लग जाए करने। ठीक है, और ना उसका जो टेक्सचर, ना उसका जो फ्रैक्चर सरफेस होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके हील्स, ग्रिट्स और लंप ऑफ लाइम दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको वी कैन राइट इज एज इट एज, सरफेस शुडंट बी
टू स्मूथ सरफेस शुडंट बी टू स्मूथ टू कॉज स्लिपिंग ऑफ मोर्टार, टू कॉज स्लिपिंग ऑफ मोर्टार। फोर्थ चीज क्या है इसमें, हार्डनेस। अब ये जो ब्रिक की हार्डनेस है, अब ये कैसी होनी चाहिए, ब्रिक शुड बी सो हार्ड जब आप उसको अपने नाखून या अपने नेल से स्क्रैच करते हो उसमें कोई इम्प्रेशन नहीं दिखना चाहिए। जिसको वील राइट लाइक दिस, ब्रिक ब्रिक शुड बी सो हार्ड दैट व्हेन स्क्रैच्ड फ्रॉम नेल नो इम्प्रेशन शुड बी विजिबल। ठीक है, ये है आपका हार्डनेस। और फिर है साउंडनेस। साउंडनेस मतलब ये वो वाला साउंडनेस नहीं है कि आपका जब आपका आपके ब्रिक में वॉल्यूम चेंज कैसा हो रहा है, ठीक है, आफ्टर इट गेट हार्डन्स, वैसा साउंडनेस नहीं है। ये है व्हेन यू स्ट्रक टू ब्रिक्स इट शुड गिव अ मेटेलिक रिंगिंग साउंड, ये आपके साउंडनेस टेस्ट होता है गुड क्वालिटी ब्रिक का। व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक टूगेदर अ मेटेलिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड। इसको ऐसा लिखोगे, व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक टूगेदर अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसके बाद द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग विच जो बताता है आपको गुड क्वालिटी ब्रिक के बारे में, वो है विच टेल्स यू अबाउट द गुड क्वालिटी ब्रिक इज वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका शुड बी लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द वेट ऑफ द ड्राई ब्रिक व्हेन इट केप्ट इमर्ज्ड फॉर 24 आवर्स। वाटर एब्जॉर्प्शन विल डिनोटेड बाय 24, क्योंकि ये 24 आवर्स इमर्शन ऑफ द वाटर के बाद चेक करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 20% शुड बी लेस देन इक्वल टू 20% 20% ऑफ ड्राई वेट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट इज क्रशिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 MPa फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.5 MPa। ये पता होना चाहिए आपको, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स क्रशिंग be greater than equals to 3.5 MPa। और जैसे हमने डिफेक्ट्स के बारे में पता, कुछ कुछ चीज़ें ब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स पेबल्स ग्रिट आपका ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और ब्रिक शुडेंट, एक और चीज़, हाँ आपकी वो ब्रिक जो है ना, जब आप 1 मीटर की हाइट से फेंकते हैं एक हार्ड सरफेस में विद फ्लैट ब्रिक, तो वो इट शुड नॉट ब्रेक। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रिक ब्रिक शुडंट ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रिक शुडंट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन dropped flat from 1 meter height,
ठीक है। और एक और चीज़ है यही वाटर एब्जॉर्प्शन की, वाटर एब्जॉर्प्शन की आप एफ्लोरेसेंस की, अच्छा व्हेन इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स एंड आफ्टर आफ्टर ब्रॉट आउट यू नो इट शुड नॉट शो एनी ड्राई, इट शुड नॉट एनी शो एनी शेड और एनी स्टेन्स, एनी डिपॉजिट ऑफ वाइट और ग्रे पाउडर, ठीक है। और जो आपका स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का, लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट इज ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज जो है वो 19x9x9 या 19x9x4, 4 इज द वो आपका जो फ्रॉग है उसका साइज होता है। इसको पहले लिखो, एक पॉइंट और है, ब्रिक शुड हैव और आपका लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड शुड बी साउंड प्रूफ एंड शुड बी साउंड प्रूफ। और जो स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का वो 19x9x9 सेंटीमीटर होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज, या फिर 19x9x4, 4 इज द साइज, ये आपका 4 जो डायमेंशन है ये फ्रॉग का डायमेंशन है, ठीक है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। चार तरह के टेस्ट हैं दैट वी आर, चार नहीं सात तरह के टेस्ट हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, चार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, 7 टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, सेकेंड इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, थर्ड इज एफ्लोरेसेंस टेस्ट, फोर्थ इज वापिस टेस्ट, फिफ्थ इज हार्डनेस टेस्ट, सिक्स इज साउंडनेस टेस्ट, सेवेंथ इज स्ट्रक्चर टेस्ट। इसमें से काफ़ी टेस्ट तो आपको पहले से ही पता होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फर्स्ट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फर्स्ट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट टोटली आपका डिपेंड्स अपॉन पोरोसिटी, आपकी पोरोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, और ब्रिक्स जो है एब्जॉर्ब कैसे करती है वाटर, बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब्स वाटर बाय किसे, कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी एक्शन, एब्जॉर्ब्स वाटर बाय कैपिलरी एक्शन। इसमें जो आपका टेस्ट है इसको विल डिनोट इट लाइक दिस, पहला एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के दो टेस्ट होंगे फर्दर, और दूसरा है इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इनिशियल रेट एब्जॉर्प्शन, इनिशियल रेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के फर्दर दो टेस्ट हैं, एक है 24 आवर इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट, एक है 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। एक है 24 आवर्स इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट, एक है 5 आवर हॉट वाटर टेस्ट या बॉइलिंग वाटर टेस्ट, एक है 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट, ठीक है। इन तीनों ही विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, इस तरह से विल डिस्कस ऑल दीज 3 डेज। जो 24 आवर्स इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट है, मतलब कि 24 घंटे के लिए इसको विल इमर्स इट इन वाटर, वो कब करेंगे,
पहली चीज जो आपकी ब्रिक है, फर्स्ट पॉइंट इज जो आपकी ड्राई ब्रिक है, पुट इट इन ओवन फॉर पुट इट इन वाटर विद द टेम्परेचर ऑफ, ओवन में डालिए विद द टेम्परेचर 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, टिल अटेन अ कॉन्स्टेंट मास, टिल इट अटेन अ कॉन्स्टेंट मास W1। पहली चीज एक बार ये अटेन कर जाए पहले ओवन में डाल के इतने टेम्परेचर के लिए, कीप इट फॉर कीप लेट इट टू गेट कूल, आफ्टर कूलिंग इमर्स द सेम ब्रिक, इमर्स द सेम ब्रिक इन वाटर फॉर 20 इन विद 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। इमर्शन इन वाटर उस 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस में फॉर 24 आवर्स। देखो इसमें भी सेम ही चीज़ है, कीप द ड्राई ब्रिक इन ओवन विद अ टेम्परेचर ऑफ 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस टिल इट अटेन कॉन्स्टेंट मास W1, कॉन्स्टेंट मास W1। और दूसरा पॉइंट इसमें इमर्शन इन वाटर फॉर 24 आवर्स, इसमें क्या है, इसमें जो स्पेसिमेन है जो ब्रिक है इसमें भी इसको इमर्स करेंगे हॉट वाटर में, इसमें विल इमर्स इट फॉर हॉट वाटर टू बॉइलिंग फॉर 1 आवर एंड उसको कॉन्टिन्यूसली विल बॉयल फॉर 5 आवर्स। ठीक है, कैसे विल राइट इट एज इमर्शन इन हॉट वाटर फॉर बॉइलिंग टिल 5 आवर्स। अब बॉयल इसके बाद ये बहुत ज़्यादा हॉट होगी तो विल फॉलो इट बाय कूलिंग डाउन फॉर 16 to 19 आवर्स। ठीक है, जब तक वो नेचुरली अपना हीट लूज नहीं कर जाती, इसको विल अलाउ कूलिंग फॉर कितने 16 to 19 आवर्स। क्यों? क्योंकि वी वांट कि ये अपना नेचुरली कूल डाउन करे। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर कूलिंग फॉर 16 to 19 आवर्स, ठीक है, डैम्प क्लोथ्स, वाइप इट विद डैम्प क्लोथ, वाइप इट विद डैम्प क्लोथ एंड वे W3। W2 तो वही हो गया जब डायरेक्ट अगर आप इससे वे करोगे, जब बॉइलिंग वाटर से निकालोगे। ठीक है, इसके बाद W3 होगा। अब इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वी विल फाइंड इट एज W3 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। W1 W3 है वेट। ठीक है, ये आ गया वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट का। अब जब हम इसको इमर्स करेंगे वाटर में फॉर 24 आवर्स के लिए, उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स ब्रिक टेकन आउट एंड वाइप्ड विद डैम्प क्लोथ एंड वाइप्ड विद डैम्प्ड क्लोथ एंड वे W2, देयरफॉर वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर 24 इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट विल बी W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 इंटू 100 डिवाइड बाय W1 इंटू 100। और जनरल चीज़ जो नोट की फॉर्म में आप लिखो जो कि बहुत एग्जाम में आती ही आती है, कन्फर्म है, वो है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का, जो कि 24 आवर की वाटर एब्जॉर्प्शन की आती है। वो क्या है, वो जैसे आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है इसका कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, सेकंड क्लास ब्रिक का कितना होना चाहिए, थर्ड क्लास ब्रिक का कितना होना चाहिए और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का कितना होना चाहिए, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का कितना होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 20% या शुड नॉट बी ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 20%, लेस देन इक्वल्स टू 22%, लेस देन इक्वल्स टू 23%, लेस देन इक्वल्स टू
25%, किसी किसी कभी कभी जो इन सम सोर्सेज थर्ड ग्लास ब्रिक में जो वाटर अब्जॉर्प्शन इट इज़ लेस देन 25%, ठीक है, समटाइम्स इन थर्ड क्लास ब्रिक जो वाटर अब्जॉर्प्शन है, वाटर अब्जॉर्प्शन है इन थर्ड क्लास ब्रिक इट इज़ लेस देन इक्वल टू 25%। तो ऑप्शन देख के विल गो थ्रू, ठीक है, विल गो थ्रू आफ्टर फाइंडिंग द बेस्ट सुटेड ऑप्शन। इसके बाद है इनिशियल रेट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये कुछ नहीं है, इसमें हमारे को जो डिस्कस करना होता है वो वही करना होता है कि इनिशियली फर्स्ट मिनट में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है, ठीक है, रेट ऑफ हाउ मच वाटर अ ब्रिक ड्रॉज इन ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट आफ्टर इट गेट इन, जब वो आफ्टर इट 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 इज़ इन कंटेक्ट विद द वाटर और आफ्टर इट इज़ इमर्ज्ड इन द वाटर। ये क्यों यूज़फुल है, क्योंकि कुछ ब्रिक्स हमारी जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन जो सकिंग ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा करती है ना, जिनमें हाई सक्शन होता है, कुछ ब्रिक किसी ब्रिक में कम हाई सक्शन होता है, जिस ब्रिक में हाई सक्शन होता है उस ब्रिक को पहले ही आप 3 से 24 घंटे के लिए वाटर में इमर्स कर दो, जिसका लो सक्शन होता है उसको वी शुड कैप कीप इट कवर्ड एंड ड्राई ऑन जॉब साइट। ये दो चीज़ें बस ध्यान में रखनी है इसमें। पहली चीज़ ये बताती है आपको रेट ऑफ हाउ मच वाटर ब्रिक ड्रॉज ड्यूरिंग फर्स्ट आर HOUR ऑफ गेटिंग इन कंटेक्ट विद वाटर इन गेटिंग इन कंटेक्ट विद वाटर। उससे हमारे को क्या पता चलता है, ब्रिक जो है एक होती है लो सक्शन ब्रिक, एक होती है हाई सक्शन ब्रिक। सपोज इट इज़ हाई सक्शन ब्रिक, हाई सक्शन ब्रिक है, बस इमर्स इट इन वाटर फॉर 3 to 24 आवर्स। अगर लो सक्शन है, लो इफ यू हैविंग लो सक्शन ब्रिक, तो उस केस में व्हाट टू डू, आप उसको कवर कर दो, शुड बी केप्ट कवर्ड और ड्राई इन जॉब साइट, केप्ट कवर्ड KOVERED कवर्ड एंड ड्राई ऑन जॉब साइट, केप्ट कवर्ड एंड ड्राई ऑन जॉब साइट, ठीक है। और एक और चीज़ है, जनरली ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग द मशीनरी ब्रिक सो दैट दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मोर्टार। ये भी ध्यान रखना है, नोट की फॉर्म में लिख लो चाहे। ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इन मशीनरी वर्क सो दैट दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट, सो दैट दे डोंट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सीमेंट। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टेस्ट, जो कि है वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका हम बस इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, हम करते क्यों हैं, टू डिटरमाइन द गुड क्वालिटी ब्रिक, बट इट इज़ ऑफ ऑलमोस्ट नो यूज़, क्योंकि जो हमारा वॉल में जो ब्रिक्स यूज़ होती है, ठीक है, वो जो वॉल स्ट्रेंथ है वो हमारी मेनली डिपेंड ही मोर्टार पे होती है, ठीक है। इस टेस्ट को हम करते कैसे हैं,
पांच वीक्स लेंगे रूम टेम्परेचर में. विल इमर्स इट इन वाटर फॉर 24 आवर्स. ठीक है, उसके बाद या तो आपका फ्रॉग जैसे प्रेजेंट होता है या कोई भी वॉइड्स प्रेजेंट है, विल अप्लाई मोर्टार इन दैट फ्रॉग और वॉइड्स ऑफ रेशो 1:3. उसके बाद हम उसको स्टोर कर देंगे. इट इज़ एन स्टोर्ड अंडर डैम्प जूट बैग्स फॉर 24 आवर्स. ठीक है, विल देन स्टोर इट फॉर 24 आवर्स अंडर डैम्प जूट बैग. उसके बाद विल इमर्स दैट ब्रिक, जब जिसमें मोटार भी लगा हुआ होगा, फॉर 3 डेज इन वाटर. इसके बाद क्या होगा, हम इस पे टेस्टिंग करेंगे. विल टेक आउट द ब्रिक, वाइप इट फ्रॉम द डैम्प क्लोथ. उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल फेस जो ब्रिक का है या मोर्टार फेसिंग अपवर्ड, ठीक है, विल अप्लाई द लोड विद द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 14 MPa/min टिल फेलियर ऑकर्स. और हम तब तक करेंगे जब तक उसका फेलियर ना आए. एंड विल डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड एट फेलियर. ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला भी है, कंप्रेसिव लोड निकालने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड एट फेलियर डिवाइड बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक डिवाइड बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक. अब इसका जो चीज़ आपको पता होना चाहिए वो है आप इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यूज. सपोज आप ले लो टाइप ऑफ ब्रिक, दूसरा चीज़ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ ब्रिक और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज़ इन मेगा पास्कल. ठीक है, ये चीज़ एग्ज़ाम में आती है, जैसे फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास. ठीक है, थर्ड क्लास एंड कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स, थर्ड क्लास और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक. ठीक है, इनकी पर्टिकुलर आपकी वैल्यूज होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की. वैसे तो ये ऐसे चलते हैं 10, 7, 5, 3.5. इट शुड बी लेस देन इक्वल, इट शुड फर्स्ट क्लास की शुड नॉट बी लेस देन 10.5 MPa. ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 7, इट शुड नॉट बी लेस देन 5 और इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 MPa. कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 3.5 MPa. इसमें एक और चीज़ जो कि आपने नोट करनी है वो ये है कि वॉल की आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड होती है, वॉल्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन मोर्टार. वॉल्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन मोर्टार. नेक्स्ट टेस्ट इज एफ्लोरेसेंस टेस्ट. फ्लोरोसेंस टेस्ट इन ब्रिक्स. नेक्स्ट टेस्ट इज एफ्लोरेसेंस टेस्ट इन ब्रिक. इसका क्या क्यों करते हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट? इट्स एम इज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड सॉल्ट्स. टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड सॉल्ट. इसको करने का तरीका है, प्लेस जो ब्रिक होता है, ब्रिक स्पेसिमेन, इन अ ग्लास डिश और उसमें अप्लाई वाटर टिल अ डेप्थ ऑफ 25 mm. ठीक है, इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम. अब हमने वेट करना है आफ्टर टिल द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्रिक और इवेपोरेटेड. आफ्टर द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्रिक और इट गेट इवेपोरेटेड अगेन अगेन अप्लाई वाटर टिल डेप्थ ऑफ 25 mm.
एंड आफ्टर द सेकेंड इवेपोरेशन और आफ्टर द सेकेंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर द ब्रिक आर ऑब्जॉर्ब्ड फॉर वाइट और ग्रे डिपॉजिट या स्टेन्स ऑन द सरफेस। ठीक है, ये आपको एफ्लोरेसेंस टेस्ट में ध्यान रखना है। इसमें भी एक टेबल है जो कि थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे एक तरफ आ जाएगी इसकी कैटेगरी एफ्लोरेसेंस की, एक तरफ आ जाएगी आपका डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस, डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस। अगर कोई पैचेस इन या नो पैचेस तो मतलब कैटेगरीज निल, पहली चीज। अगर आपके 10% से ज़्यादा एरिया में वाइट और ग्रे स्टेन्स नहीं आ रहे, 10% एरिया ऑफ ब्रिक इज एक्सपोज, एरिया ऑफ ब्रिक एक्सपोज्ड है तो मतलब आपका एफ्लोरेसेंस जो है वो स्लाइट है। ठीक है, अगर आपका 50% से ज़्यादा एरिया एक्सपोज नहीं है, मतलब बोलने का मतलब 10 से 50% एरिया ही एक्सपोज्ड है वाइट और ग्रे स्टेन्स से सॉल्ट के, तो वो कंडीशन है, वो कैटेगरी आती है आपकी मॉडरेट। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 50% आपका एरिया ऑफ ब्रिक इज एक्सपोज्ड पर उसमें पाउडर बन नहीं रहा है, उस वाइट और ग्रे स्टेन का सिर्फ वो दिख ही रहा है ना, इट इज़ फ्लेकिंग अवे द ब्रिक सरफेस। ठीक है, नो पाउडर और फ्लेकिंग अवे ऑफ ब्रिक सरफेस भी नहीं हो रही है, तो उस केस में ये आपका एफ्लोरेसेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी है। एक केस होगा जब एफ्लोरेसेंस सीरियस ही हो जाएगा, उसमें भी जब आपकी वाइट और ग्रे स्टेन्स और एरिया ऑफ ब्रिक एक्सपोज्ड बाय ग्रे और वाइट स्टेन्स 50% से ज़्यादा होगा और उसमें थोड़ी जो थिन था वो ठीक हो जाएगा और वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और इट विल स्टार्ट फ्लेकिंग द सरफेस, तो वो बहुत सीरियस है, स्टार्ट फ्लेकिंग द सरफेस। ठीक है, ये आपका एफ्लोरेसेंस टेस्ट है, बहुत ध्यान देना है इन सब टेस्ट के बारे में, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमने पहले भी इस टर्म को डिस्कस किया है, वारपेज टेस्ट बोलते हैं, बेंड और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप। वारपेज टेस्ट मतलब बेंड और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, एस्पेशली फ्रॉम अ स्टेट और फ्लैट फॉर्म। ठीक है, वारपेज टेस्ट मतलब बेंड और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप। वारपेज का मतलब है ये, वारपेज मतलब बेंड और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप। अब इसमें हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग कैसे लेते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, इट्स मतलब बेंड और ट्विस्ट हमने बस चेक करना है ये सीधी हैवी ब्रिक की नहीं है, आउट ऑफ स्पेस शेप है, मतलब इसमें हम स्ट्रेटनेस चेक करते हैं, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस ब्रिक की। ठीक है, बाकी ये दो तरह के वापनेस टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका कनकेव वार्पनेस, एक होती है कन्वेक्स वार्पनेस। इसमें क्या करते हैं, हम 10 सैंपल्स लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक आपका लॉट से 10 सैंपल लेंगे और उनका हम कनकेव वार्पनेस चेक करेंगे कन्वेक्स। अगर आपका आपने हमने कनकेव वार्पनेस चेक करना है, मतलब वो अंदर को उसमें इंप्रेशन थोड़ा सा अंदर को का, मतलब आपका जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका मैक्सिमम डिस्टेंस उस जगह का मेजर हो रहा है, उसको हम कनकेव वापनेस लेंगे, और कन्वेक्स होगा मतलब बाहर को उभरा होगा, एक स्वेलिंग तरह से होगी, मतलब सभी कॉर्नर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, किस किस जगह से ज़्यादा डिस्टेंस है आपके कॉर्नर्स का, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रहा है आपको, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस इन ये जो सारे कॉर्नर्स होंगे कन्वेक्स वापनेस में, इन कंटेक्ट में ग्राउंड के नहीं होंगे, वैसे ही कनकेव में जो सेंटर वाली साइड से होगा
वो इन कंटेक्ट में नहीं हो, कनकेव थोड़ा इस तरह का होता है ना, कनकेव इज़ लाइक दिस, ब्रिक भी इस तरह के, कन्वेक्स इज़ लाइक दिस, जिसमें कॉर्नर्स जो होते हैं कॉर्नर्स कंक्रीट के सॉरी किसी भी ग्राउंड के सरफेस में कंटेक्ट में नहीं होगी, जो इस कॉर्नर में मैक्सिमम हमारे को डिस्टेंस मिलता है वो आपका वार्पिंग डिस्टेंस होगा। इस केस में जहाँ पे मैक्सिमम हमारे को डिस्टेंस मिलता है वो आपका वार्पिंग, वही डिस्टेंस हमारा वार्पिंग डिस्टेंस होगा। इसी तरह का टेस्ट होता है वार्पिंग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट इज आपका, फिफ्थ इज हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, इस टेस्ट में कुछ नहीं होता है, स्क्रैच स्क्रैचिंग बाय नेल, SCRAT, स्क्रैच करते हैं, स्क्रैचिंग बाय नेल, इफ इम्प्रेशन इज विजिबल, तो मतलब आपकी जो ब्रिक है वो हार्डनेस, उस ब्रिक में हार्डनेस नहीं है, ब्रिक इज़ नॉट हार्ड, ठीक है। और अगला है साउंडनेस, ठीक है, अगला है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में टू ब्रिक्स आर स्ट्रक, टू ब्रिक्स आर स्ट्रक, ठीक है, इफ रिंगिंग साउंड इज ऑडिबल, तो मतलब ब्रिक इज साउंड, ब्रिक इज साउंड, ठीक है। और अगला है आपका स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेस्ट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर इसमें ब्रिक इज ब्रोकन इनटू पीसेस, क्या करते हैं, ब्रिक ब्रोकन इनटू, ब्रिक इज ब्रोकन इनटू पीसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर इज एग्जामिन्ड, इट मस्ट बी होमोजेनियस, जब हम तोड़ने के बाद अंदर से देखेंगे इट शुड बी होमोजेनियस, कंपैक्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, वो डिफेक्ट एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, वो डिफेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, होल्स भी हो सकते हैं, लम्ब्स भी हो सकते हैं, एसेट्रा, ठीक है। ये थे आपके टेस्ट, टू टेस्ट फॉर ब्रिक्स, कौन कौन से टेस्ट थे, सबसे पहला वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है, वापिस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में वील डिस्कस सम अदर कंसेप्ट ऑफ द ब्रिक, लाइक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स, आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, और हम क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा इसका जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्रिक्स का, उसमें क्या क्या होता है, मोल्डिंग क्या होता है, ठीक है, बर्निंग किस किस तरह से करते हैं, और लास्ट टॉपिक विल डिस्कस इज टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द ब्रिक मशीनरी, एंड देयर आफ्टर विल स्टार्ट सम कंसेप्ट्स ऑफ स्टोन्स। थैंक यू।